बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री 13 जून को राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में आएंगे। यहां उनका हनुमंत कथा वाचन होगा। उनके आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है। धर्मानुरागियों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रकार की जर्मन तकनीक पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। मंच को आकर्षक बनाया जा रहा है, जहां आसीन होकर बाबा प्रवचन करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कथा श्रवण करने आने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रहने खाने और विश्राम करने के अलावा नित्य क्रिया से निपटने के भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए 3,00,000 स्क्वायर फीट में जर्मन तकनीक से पंडाल बनाए जा रहे हैं। पंडाल न केवल वाटर प्रूफ है बल्कि फायर प्रूफ भी है। आयोजक मंडल का नेतृत्व कर रहे मंडल के अध्यक्ष के शाश्वत ने बताया कि श्रद्धालुओं को बैठने के लिए 1,00,000 स्क्वायर फीट में वाटर एंड फायर प्रूफ 3 पंडाल बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक पंडाल में तकरीबन 1,00,000 धर्मानुरागी बैठकर 13 जून से 17 जून तक कथा का श्रवण कर सकेंगे। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। 13/5/23 से लेकर 17/5/23 तक यहाँ हनुमान कथा का आयोजन हो रहा है। 15 तारीख के दिव्य दरबार लगेगा बाबा का, और आने की उम्मीद हम लोग अभी 2.5 से 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद पर काम कर रहे हैं। यह भीड़ बढ़ भी सकती है, घटने का सवाल नहीं। क्या क्या व्यवस्था है लोगों के लिए? यहाँ व्यवस्था यहाँ रहने के लिए है, कथा सुनने के लिए है, आने जाने के लिए पार्क गाड़ी करने की व्यवस्था है, लंगर चलते रहेगा, प्रसाद का भी व्यवस्था है, रहने के लिए अलग व्यवस्था। हम लोग रोड से दाएं उत्तर साइड कर रहे हैं, पार्किंग कथा स्थल से दक्षिण, उत्तर और पूरब सभी जगह पार्किंग। कथा का क्या समय होगा और दिव्य दरबार कब से कब रहेगा? कथा का समय 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक कथा होगा, 2 घंटा भजन संध्या होगा और उसके बाद महाप्रसाद का आयोजन है। और दिव्य दरबार जो दरबार 12 बजे से शुरू हो जाएगा 15 तारीख। कितने बजे तक चलेगा? टाइम तो 7 बजे है, और वैसे तो बाबा की मर्जी, बाबा की मर्जी रहेगा 12 बजे ले चलेगा, 3 बजे ले चलेगा। क्या पर्चा आपका? पर्चा है आप, पर्चा है आपका, अर्जी आपका, क्या परिचय है आपका? अखिलेश कुमार, समाज सेवी, घर तरे ते है। आयोजक मंडल की ओर से 5,000 स्क्वायर फीट का मंच तैयार किया जा रहा है। ये मंच त्रिस्तरीय होगा। सबसे ऊपर धीरेंद्र शास्त्री का आसन होगा, जिस पर बैठकर वो कथा वाचन करेंगे। उसके नीचे दूसरे तल्ले पर वाद्य यंत्र और वादक होंगे, जो बीच बीच में मधुर धुन से लोगों का मन मोहित करते रहेंगे। सबसे निचले तल्ले पर साज सामग्री रहेगी। इस बात की जानकारी देते हुए आयोजक मंडल के सचिव राजशेखर ने बताया कि शास्त्री जी की सुरक्षा को देखते हुए और श्रोता शास्त्री जी को और उनकी भाव भंगिमा को अपनी आंखों से देख सकें, इसके लिए उन्हें सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। क्षेत्र में यह बन रहा है पंडाल, आपका 3,00,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है। 3,00,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है लोगों को बैठने के लिए। कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? आराम से 1,00,000 के आसपास में लोग बैठ जाएंगे। किस तकनीक के माध्यम से यह बन रहा है पंडाल? ये जर्मन तकनीक के माध्यम से बन रहा है पंडाल। मंच की क्या स्थिति होगी? मंच की साइज होगा आपका 3 लेयर साइज है मंच का। मतलब मंच का साइज क्या होगा कुल टोटल जी? मंच का साइज क्या? मंच का फुल साइज आपका हो जाएगा 80x आपका 75। और यह जो लोगों को बैठने के लिए बन रहा है, या 3 बनेगा या 1 ही रहेगा? इसमें 3 रो में बन रहा है। 3 रो में बन रहा है, मतलब 3 रो मिलाकर के कुल 3,00,000 स्क्वायर फीट। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। क्या है आप? इस कंपनी का मैनेजर है।
एक अनुमान के मुताबिक हर दिन 3 लाख लोगों के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से सुनाए जाने वाली श्री हनुमंत कथा में सुनने आने की उम्मीद है। उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी आयोजकों की ओर से की जा रही है। इसके लिए एक बड़ा भंडार गृह के अलावा भोजन गृह का भी निर्माण कराया जा रहा है। इसमें करीब 1,00,000 लोग बैठकर खाना खा सकेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए आयोजक मंडल के सदस्य सह प्रखर समाज सेवी अखिलेश कुमार उर्फ नेताजी ने बताया कि सभी धर्मानुरागियों और श्रोताओं को कलश स्थापना के दिन से कथा समापन तक शुद्ध व सात्विक भोजन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। भोजन में अन्न जल के अलावा वैसे श्रद्धालु जो फलाहार करने के इच्छुक होंगे उन्हें फल और दूध भी उपलब्ध कराया जाएगा। श्री हनुमंत कथा श्रवण के लिए काफी संख्या में हिंदू धर्मावलंबियों के आने की उम्मीद है। इस दौरान प्रदूषण ना फैले इसकी भी आयोजन प्रबंध समिति ने मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। आयोजक मंडल के सदस्य शंभु शर्मा ने बताया कि धर्मानुरागियों की सुविधा के लिए 200 अस्थायी सुविधा गृह यानी शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुविधा गृह निर्माण के पीछे का मूल उद्देश्य ये है कि गांव और इलाके में गंदगी और प्रदूषण ना फैले और वातावरण शुद्ध रहे। धर्मानुरागियों की ओर से स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत होने पर उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके, इसको लेकर 30 बेड का अस्थायी चिकित्सालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। आयोजक मंडल के सदस्य कमलेश कुमार ने बताया कि इस अस्थायी चिकित्सालय में सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सकों की सेवाएं ली जाएंगी। ये चिकित्सालय 12 जून से 17 जून तक 24 घंटे जरूरतमंदों की सेवा को तैयार रहेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।